यानी खतरा उठ संभल गाफिल, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभले घर कहीं अब भी तुम्हें हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें दफन होंगी दास्तानों में। पाकिस्तान भारत का अंग था, आज बाहर है। इस बीच तालिबान की भारतीय शाखा का प्रवक्ता शफीकुर रहमान बर्क बोल रहा है कि आजादी की लड़ाई हमने जीत ली है। शफीकुर रहमान बर्क, तूने आजादी की लड़ाई जीत ली है तो अपने मुल्क में चला जा, यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदुओं के बीच मुसलमान असुरक्षित हैं, तो तेरा मुल्क अफगानिस्तान आजाद हो गया है, तू वहीं चला जा, खाता यहाँ है, कमाता यहाँ है, सांसद यहाँ का बना, लोगों के बीच यहाँ रहता है, नमक यहाँ का खाता है और दलाली तालिबान की करता है, प्रवक्ता तालिबान का बनता है, तुझे भारत असुरक्षित लगता है और तालिबान आजाद मुल्क लगता है तो वहां क्यों नहीं चला जाता। हर किसी को अधिकार है जहां पर वो सुरक्षित है वहां जाकर रहे। यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ तालिबान के, शफीकुर रहमान पर अकेला नहीं है, बहुत सारे मीडिया और के ग्रुप ऐसा लिख रहे हैं तालिबान लड़ाके, तालिबान लड़ाके नहीं है, तालिबान आतंकवादी हैं। गौतम बुद्ध की प्रतिमा इन्होंने तोड़ी, वहां के हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया, सिखों की पगड़ियां उछाल दी, उनको कत्ल कर दिया, महिलाओं बच्चों के साथ बलात्कार किया, पूरे अफगानिस्तान को खाली कर दिया माइनॉरिटी से, ना वो कोई सिख, ना कोई बौद्ध, ना कोई जैन, ना कोई हिंदू, कोई नहीं बचा, सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ CLRA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी हैं वो सुरक्षित भारत आ जाए, इसलिए वो नरेंद्र मोदी इनको तानाशाह दिखाई देते हैं, डिक्टेटर दिखाई देते हैं, और जो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का नस्ल संहार कर दिए, पूरा नरसंहार समूल नाश कर दिया, और एक पुजारी काबुल में केवल बचे हैं जो कहते हैं मैं किसी भी स्थिति पर छोड़ के नहीं जाऊंगा, उस एक को भी ये मार देंगे, और उनके पक्ष में भारत के कुछ मीडिया वाले खड़े हुए बता रहे उन्हें आजादी का नायक शफीकुर रहमान बर्क जैसे आतंकवाद के समर्थन लोग ये बता रहे हैं कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां महिलाओं की दुर्दशा के दिन अब चालू हो गए हैं, 12 साल की बच्चियों से बलात्कार की छूट उन्होंने दे दी है, महिलाओं को अब स्कूल जाने नहीं मिलेगा, बुरखा यदि हटा तो गोली सिर पे पड़ी, कोई भी यदि वहां पूजा पाठ करता हुआ दिखा तो गोली सिर में पड़ी। उन जंगलियों को देखो, जाहिलों को देखो, जिम में, एम्यूजमेंट पार्क में, राष्ट्रपति भवन में और हवाई जहाज में किस तरीके से वो लोग हरकतें कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं। और आप देखेंगे कि तालिबान अपने आप को मुसलमान कहता है और तुम मुसलमान हो तो फिर मुसलमान ही वहां से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अब तालिबान के राज में हम सबकी गर्दन कटने वाली है, इसलिए तालिबान ना कोई आजादी की लड़ाई ये लड़ा है, ये कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है, और उसकी खुशी में कल लाहौर में देखो रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया, यानी खतरा उठ संभल गाफिल, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभले घर कहीं अब भी तुम्हें हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें दफन होंगी दास्तानों में। पाकिस्तान भारत का अंग था, आज बाहर है। बांग्लादेश भारत का अंग था, आज बाहर है। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर से 370 हटा दी, नहीं तो कश्मीर भी अलग होने की राह में, केरल भी अलग होने की राह में, असम भी अलग होने, और शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। उठ संभल गाफिल, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। तो हर तरीके से तालिबान का विरोध करो क्योंकि भारत के लिए खतरा है ये तालिबान, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये तालिबान। जो कूटनीतिक स्तर पर सरकारें बातें कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सोशल मीडिया में मीडिया ग्रुप उन्हें आतंकवादी कहकर संबोधित करे, आतंकवादी लोग है वो,